तो कहते हैं देर इज अ अन्सेप्ट कॉल ट्रैप इन सेलिंग ट्रैप का मतलब है टी आर ए पी टी का मतलब है टारगेट पर्सन टारगेट पर्सन है अपना कस्टमर हमारा पी का मतलब है पर्पस हमारा पर्पस ऑफ इंफ्लुएंस है टू सेल हम जा रहे हैं वहां पर बेचने के जबी भी हम कोई टारगेट पर्सन को मिलने जाते हैं हमारा पर्पस है बेचना जब मैं गया था थोड़ा दिन पहले कस्टमर के पास टारगेट पर्सन को मिलने के लिए मेरा पर्पस था बेचना अब मैं 27 तारीख को जाऊंगा मेरा टारगेट है बेचना मेरा पर्पस है बेचना और टारगेट पर्सन एक कंपनी है वहां सत्रह अठारह लोग हैं जब मैं जाऊंगा वहां पर मेरा टारगेट पर्सन को मिलने के लिए मेरा पर्पस इज टू सेल एंड गेट द चेक वो मारेगा ए ए बोले तो एडवर्स रिएक्शन वो मारेगा ए ए बोले तो एडवर्स रिएक्शन वो बोलेगा तेरा भाव बहुत ज्यादा है मैं सोच के बताऊंगा अभी मेरे पास पैसे नहीं है जब भी खरीदूंगा तेरे से ही खरीदूंगा जब भी लूंगा तेरा ही लूंगा ये you know, अभी, अभी मेरे को मेरा भाई से पूछना पड़ेगा मैं राधिका को पूछ के बताता हूं मेरे को और क्या गारंटी है कि आपका ये प्रोडक्ट लेने से हमारा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगा क्या गारंटी है कि आपका गुरुकुल करने से हमारा टर्नओवर बढ़ेगा क्या गारंटी है कि आप लोग टाइम पे पैसा देंगे क्या गारंटी है कि हमको कमीशन टाइम पे मिलेगा क्या गारंटी है कि मेचोरिटी का अमाउंट एल टाइम पे देगा मैं सोच के बताऊंगा अभी मेरे पास टाइम नहीं है बाद में बताएंगे इतना बड़ा हम अभी करना नहीं चाहते हैं इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था नौ लाख रुपया नौ लाख रुपये तो मेरे बैंक अकाउंट में है नहीं मैं बाद में बताऊं डिस्काउंट कितना दोगे सब पूछेंगे इसको बोलते हैं एडवर्स रिएक्शन एडवर्स रिएक्शन कस्टमर बहुत कुछ बोलेगा तुमसे न खरीदने का माई डियर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा बात समझने की कोशिश करो अगर ओपनिंग बराबर है प्रोबिंग बराबर है और सपोर्टिंग बराबर है तो एडवर्स रिएक्शन कम होगा लेकिन अगर तुम्हारा ओपनिंग बराबर नहीं था प्रोबिंग बराबर नहीं था तुम्हारा आर बराबर नहीं था तुमको देख के ही लगता है तुमको देख के ही तुम अकाल पीड़ित एरिया से लगता है तुमको देख के तुम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं लग रहा है तुमको फाइनेंस की बहुत जरूरत है ऐसा लग रहा है तुम्हारा पेन और तुम्हारा कपड़ा वपड़ा देख के तुम गरीब आदमी लगता है तुम्हारा ब्रीफकेस तो था नहीं तुमने वो पानेरी का थैली पकड़ गया है प्लास्टिक का पानेरी का थैली और तुम बोल रहे नौ लाख रुपया दो टोटल तेरे को वजन में बेचा तो नब्बे हजार नहीं मिलेगा पानेरी के साथ तो तू नौ लाख कैसा मांग सकता नौ लाख के लिए उस तरह का ब्रीफकेस लगेगा उस तरह का पेन लगेगा उस तरह का कपड़ा लगेगा और नब्बे लाख वाली बात लगेगी प्रॉब्लम यह है कि बात नब्बे हजार की, की चेक मांग रहा है नौ लाख रुपए का पानेरी थैली कपड़ा जो पेन पेन है वो तीन रुपया वाला शार्प का तेरे को देख के ही लगता है गरीब आइटम है तू बोलता है एमएलएम से तू मेरे पास आता है और तू मेरे को बोलता है तेरी जिंदगी बनेगी तो मैं बोलता तेरी जिंदगी के बारे में बोल ओ सुनने के बाद उसको लगता है उसकी जिंदगी तेरी जिंदगी से अच्छी है एंड जो भी आदमी जा रहा है उस आदमी के बात में दम होना चाहिए उस आदमी की पर्सनैलिटी में चाल में ढाल में विचार में सोच में कम्युनिकेशन में गहराई में ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है इसको बोलते हैं जब आदमी अपने को एडवर्स रिएक्शन देता है तो रिसोर्सिस आर बोले तो रिसोर्सिस अवेलेबल और पोजेस्ड बाय द सेलर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है हमारा नॉलेज हमारा रिसोर्स है हमारा एटीट्यूड हमारा रिसोर्स है हमारा स्किल्स हमारा रिसोर्स है हमारी आदतें हमारी रिसोर्स है हमारी स्ट्रेटजीज हमारी रिसोर्स है हमारा कंपनी के प्रति विश्वास वो हमारा रिसोर्स है हमारा स्पीड हमारा गहराई हमारा पढ़ाई हमारा लिखाई हमारा सब कुछ हमारा ब्रीफ केस, हमारा पेन ये सब हमारा रिसोर्स है ये सभी रिसोर्स को आपको वापरना है लेकिन जिन लोगों ने अपने प्रोफेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जिन लोगों ने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया जिन्होंने जिन्होंने रियाज नहीं किया जो पेटी लेके सीधा तबला लेके सीधा चंदमोहन हॉल आके बजाने चालू करते जो सुबह पांच से पांच बजे से लेके आठ बजे तक सुबह पांच घंटा रोज रियाज करके अपना इस प्रोफेशन को मान सम्मान नहीं दिया प्रैक्टिस नहीं किया वो लोगों के पास रिसोर्स बहुत कम होता है तो क्या होता है जैसे ही तुम टारगेट पर्सन के पास जाते हो तुम्हारा पर्पस है बेचना वो मारता फटका तुम्हारे पास है नहीं और तुम ट्रैप में फंस जाते हो तुम ट्रैप में फंस जाते हो देर तुम्हारे पास अगर अच्छा रिसोर्सेस है ये जितने भी किताबें मैंने पढ़ी और उससे मेरे को मिला हुआ ज्ञान वो मेरा रिसोर्स है मेरा ये जो कम्युनिकेशन है हिंदी में मराठी में मलयालम में इंग्लिश में और ये जो कम्युनिकेशन में मैंने जो चार चांद डाली और जो मैंने स्पीड लाया मेरे एंथुजियाजम में मैंने आंखों के ऊपर काम किया मैंने कपड़ों के ऊपर काम किया मैंने चाल के ऊपर काम किया मैंने एंथुजियाजम के ऊपर काम किया मैंने नॉलेज के ऊपर काम किया मैंने हर क्षेत्र के ऊपर काम करके अपने आप को वैसा पावरफुल बनाया और अपना जो रिसोर्स है उसको मैंने हेवी लोडिंग किया है एंड इसीलिए जब मैं किसी को मिलने जाता हूं विद पर्पस टू सेल वो मेरा टारगेट पर्सन है वो जब मेरे को एडवर्स रिएक्शन ए मारता है मैं अपने पास अपने पास जो रिसोर्सेस है सब मैं वापर डालता हूं मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरे को तो कोई भी ऑब्जेक्शन बोल उसका दस आंसर मेरे पास है मेरे पास पैसा नहीं है मैं दस आंसर दूंगा मैं सोच के बताऊंगा मैं दस आंसर दूंगा बाद में आना उसका दस आंसर दूंगा मैं अपने आवाज़ को यूज करूंगा मैं अपना गर्मी को यूज करूंगा मैं मेरा गुस्से को यूज करूंगा थोड़े दिन पहले मैं अपने गुस्से को यूज किया मैं बोला मैं आपको समझा रहा हूं आपके फ्यूचर के बारे में इस तरह से आपको करना है मेरे को दुख होता है आपके फ्यूचर के बारे में मेरे को घृणा हो रही है आपके फ्यूचर के बारे में मुझे तकलीफ हो रही है आपके फ्यूचर के बारे में आपके चेहरे पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा मैं फाइट कर रहा हूं आपके फ्यूचर के लिए आप खुद फाइट नहीं कर रहे हैं आपको फाइट करना चाहिए आपका धंधा है आपका फ्यूचर है आपके लोग हैं 110 आदमी आपके साथ काम करते हैं उनका फ्यूचर है आपके दो बच्चे हैं उन सबका फ्यूचर है और आप इस तरह से स्टेप नहीं लेने की वजह से आप अपना कंपनी को तकलीफ में डाल रहे हैं मेरे को गुस्सा आ रहा है आपको नहीं आ रहा है तो मेरे को बोलता है आप है ना नायर साहब शाम दस लाख देना है ना मैं देर मैंने उसकी ये भी मेरा रिसोर्स है अगर वो ऐसा बोलता आपने ऐसे कैसे बोल दिया इतना गाली कैसा दे दिया आप बेचने के लिए आए तो आपको तमिल से बात करना चाहिए मैं देख रहा था आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं अब मेरे को कन्विंस हो गया कि आपको गुस्सा आता तो मैं क्या बोल रहा था दस लाख का चेक स्मार्ट के नाम पे बनाना है। तो मतलब ये जो अपनी कलाकारी है उसका एक तो बजा है उसको सचमुच में गुस्सा दिलाया उसने मेरे को मारा नहीं फिजिकली ये मेरा नसीब लेकिन उससे चेक निकालने के लिए लॉजिक से काम नहीं चलने वाला था उसको दो गाली नहीं दिया तो काम नहीं चलेगा और मेरे को मालूम था अगर उसने मेरे को रिटर्न पूछा ऐसे कैसे आप ऐसा? ऐसे ठर्रा बात करते हैं तो मैं उल्टा पलटी मारने वाला था अपने पास वो भी रिसोर्स है तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हो जाए अपने पास रिसोर्स होना चाहिए आपका नॉलेज आपका रिसोर्स है आपका कंपनी आपका रिसोर्स है आपका रिसोर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए नहीं तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे आप खड़ा नहीं रह पाएंगे जो लोग रियाज नहीं करते उन्हें टमाटर मिलेगा वो वो जाकिर हुसैन है जो इधर आके सीधा तबला लेके बजा, बजाने चालू करते हैं ना सुर है ना ताल है और कभी कभी गलती से सही बच जाता है लेकिन उसको खुद को नहीं मालूम बजा कैसे तो जो प्रोफेशनल होता है उसे मालूम है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सो प्लीज अंडरस्टैंड देर विल बी अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन दैट द कस्टमर विल गिवट आर दी ऑब्जेक्शन आदमी लोग बोलते हैं आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन देते हैं बोलिए है। मेरे पास पैसा नहीं है मैं तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है एक एक करके हाथ ऊपर करके यस yes, सर बाद में आइए हाँ? अभी मेरे पास पैसा नहीं है अभी मेरे पास टाइम नहीं है है तुम्हारा भाव बहुत ज्यादा पप्पा से पूछ के बताएंगे ये बेवकूफ बनाने का धंधा है हमने एमएलएम के बारे में बहुत सुना है इसमें सब शेंडी लगाते हैं सीए को पूछ के बताऊंगा जी बोल रहे हैं कि हमको काम करने के लिए पहले हमको घर से ऑर्डर लेना पड़ेगा हाँ करेक्ट है घर से काम करने के पहले घर से परमिशन लेना पड़ेगा यस yes, सर। yes, yeah. तो ये सब चीजें कस्टमर बोलता ही रहेगा लेकिन मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर आपका ओपनिंग बराबर है अगर आपने प्रोविंग बराबर किया है अगर आपने सपोर्टिंग बराबर किया है तो आपको बहुत कम ऑब्जेक्शन मिलेंगे जो बेटन बोल के एक आदमी होता था जो बेटन ने 1950 में कहा कि फोर वेज टू ओवरकम ऑब्जेक्शन जब भी कोई आदमी आपके सामने ऑब्जेक्शन या प्राइस का ऑब्जेक्शन या कुछ भी रखता है तो चार टेक्निक है आपको याद रखना है सबसे पहले का नाम है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग जो बेटन बोलता है मैथेमेटिक्स को यूज करो अपनी बात को साबित करने के लिए अपने ख्याल को साबित करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करो जब कोई बोलता है तुम्हारा भाव बहुत ज्यादा है तो एडिंग चालू करो यो प्राइस इज टू हाई अगर तुम्हारा भाव बहुत ज्यादा है कई बार मेरे लड़के जाते हैं तो बोलो क्या साढ़े चार लाख रुपया का कोर्स है आपका यो प्राइस इज टू हाई आपका भाव बहुत ज्यादा है तो अपना लड़का चालू करेगा एड करने को सबसे पहला आपको एडिंग करना है एडिंग क्या करना है आपके प्रोडक्ट से मिलने वाला सब बेनिफिट सब बेनिफिट आपको ऐड करना चाहिए अप ऑल द बेनिफिट ए प्रोस्पेक्टिव बायर विल गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट सर्विस और अपॉर्चुनिटी आपको ऐड करना है उसने बोला तुम्हारा भाव बहुत ज्यादा है सर आपको यह मिलेगा हमारे प्रोडक्ट की वजह से यह मिलेगा 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 बोनस मिलेगा ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ऐड करो वो सब चीजें वो जो तुम्हारे प्रोडक्ट से उसको मिलने वाला है जब आपके पास ऐड करने के लिए कुछ नहीं बचा तब बोलते हैं माइनस करो सब्ट्रैक्ट करो सब्ट्रैक्ट दूसरे जगह पे जाने से क्या नहीं मिलेगी दूसरे प्रोडक्ट्स में क्या नहीं मिलेगी दूसरा गाड़ी लेने से क्या नहीं मिलेगा दूसरे दूसरे कंपनी के दूसरे प्रोग्राम करने से आपको क्या नहीं मिलेगा और अगर आप सस्ता वाला प्रोडक्ट को लेते हैं उस सस्ता प्रोडक्ट के वजह से उस कंपनी के उस कंपटीशन प्रोडक्ट में सस्ता जरूर मिलेगा लेकिन क्या क्या नहीं मिलेगा सस्ता मिलने के वजह से वो आपको बताना है। सो so, कहते हैं सब्ट्रैक्ट एनी बेनिफिट एंड फ्यूचर दैट अ प्रोस्पेक्टिव बायर कैन नॉट गेट एट अ लोअर कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट लोअर प्राइस वाला हल्का प्राइस वाला कम भाव वाला कॉम्पिटिटर से आपको क्या नहीं मिलेगा आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं मिलेगा तो पहले तो उसने जो बोला कि भाव ज्यादा है आपका आपसे मिलने वाला सात आठ चीज को पहले आपने ऐड किया अब ऐड करने के लिए कुछ बाकी नहीं है तो उसको वहां से क्या क्या नहीं मिलेगा सस्ता वाला लेने की वजह से वो आपको बताना है कि ये नहीं मिलेगा 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 ये भी खत्म हो गया सो so मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो विथ ऑल द इंटेंजिबल्स इंटेंजिबल यानी जो आपको दिखता नहीं है इंटेंजिबल यानी जो आपको दिखता नहीं है जिसका एक्चुअली भाव नहीं लगाया जा सकता ट स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज का चेयरमैन संतोष नायर है इसका भाव कैसे लगाएंगे आप कैसे भाव लगाएंगे तो मेरा लड़का ये भी बोल सकता क्योंकि ऐड करने के लिए तो ऐड कर दिया दूसरे कंपनी से क्या नहीं मिलेगा वो माइनस कर दिया अब उसको अपने कम, बोला सर हम लोग स्मॉल एंड मीडियम एंट्रप्रिन कंपनी में 22 साल से हैं बाईस साल का हमारा ये जो तजुर्बा है हमारा जो इंटेंसिटी है हमारा जो गहराई है इसकी आप क्या कीमत लगाओगे सिर्फ हम लोग ऑंट्रप्रिन के साथ काम करते हैं सिर्फ धंधे वाले के साथ काम करते हैं, और इसकी वजह से धंधे वाले का दर्द को समझने का जो हमारी एबिलिटी है इसकी आप क्या कीमत देंगे सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम ऑन्ट्रप्रनर्स के साम करने की वजह से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे को जैसी समझ है और उस समझ की वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो स्पीड है उस स्पीड का आप क्या पैसा देंगे हमारे उधर काम करने वाला एक एक रिव्यूअर जब आता है जो नॉलेजेबल रिव्यूअर आपके पास आता है और हजारों करोड़ों रुपया का नॉलेज आपके सामने पेश करता है उस नॉलेज की कीमत क्या है सर पिछले 22 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में नायर साहब खड़े हैं 1996 से बंबई शहर के अंदर खड़े हुए हैं एकमात्र ट्रेनर है जिसने कॉरपोरेट ट्रेनिंग भी किया है एमएलएम भी किया है एलआईसी भी किया है वर्कर लोग का भी ट्रेनिंग किया है सीईओ का भी ट्रेनिंग किया है ऑन्ट्रप्रनर्स का ट्रेनिंग किया है छोटे कंपनियों का ट्रेनिंग किया बड़े कंपनियों का ट्रेनिंग किया है एकमात्र ट्रेनर है जो इंडिया में खुद एक बहुत बड़ा ट्रेनर है और 110 जन का कंपनी चलाता है 110 जन का कंपनी चलाता है जहां पर 11 ब्रांचेस है खुद तो एक अच्छा ट्रेनर है लेकिन इतना बड़ा ब्रांच चलाने की वजह से उनका जो तजुर्बा है उनका जो रोज का प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से वो कैसे जूझते हैं और उस जूझने की वजह से निकलता हुआ उनका मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है उनका गहराई उस गहराई का क्या कीमत लगाओगे सर क्योंकि एक्चुअली अभी मेरे पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है मैंने अपना प्रोडक्ट के बारे में प्लस जो था वो बता दिया दूसरे से मिलने वाला माइनस बता दिया अभी हमें अपना कंपनी के बारे में बताना है प्रेस्टीज आप गुरुकुल का प्रोग्राम में बैठने वाले हैं अभी अभी लास्ट वीक में सैटरडे को थर्टी नाइन्थ बैच चालू हुआ जो मैं खुद ले रहा हूं मुंबई में फिफ्टी टू के साथ अभी आंट्रोप्रनो गुरुकुल चालू हुआ है अगला बैच चालीसवा बैच जो हमारा 16 अप्रैल को चालू होने वाला है अरे बाजू में नायर साहब का खड़ा हो गया बस खाली खड़ा हो गया वो खड़ा रहने से जो पावर आता है उस पावर का कीमत क्या है वो खाली बाजू में खड़ा रहने से जो पावर देता है नायर साहब उस पावर का कीमत क्या लगाएंगे आप ये प्रोडक्ट का भाव साढ़े लाख रुपया जरूर है लेकिन नायर साहब जब आपके बाजू में खड़े रहते हैं और बोलते हैं बिंदास रे और तू कर कुछ भी हो गया तो मैं बैठा हूं मैं बैठा हूं डायलॉग बोलने की कीमत की क्या पैसा देंगे सर आप और वो कोई रोड का आदमी नहीं है जो आपको बोल रहा मैं बैठा हूं हजारों लोगों का जिंदगी बनाने के बाद हजारों और करोड़ों लोगों की जिंदगी बनाने के बाद कंप्लीट सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला एकमात्र ट्रेनर जिसने पैतीस साल में धंधा करने के लिए एक झूठ नहीं बोला वो ट्रेनर उसकी क्या कीमत लगाओगे सर आप ऐसा एक 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 चीजें विच इज ऑल द प्रेस्टीज द प्राइड ऑफ डूइंग संतोष नायर प्रोग्राम और द प्राइड ऑफ बींग एसोसिएटेड विथ स्मार्ट द दैट वी हैव बिल्ड ओवर द लास्ट एटीन ईयर्स अठारह साल में जो हम लोगों ने रेप्यूटेशन बिल्ड किया कि हमेशा वैल्यू देंगे वो रेप्यूटेशन की कीमत क्या देंगे सर आप हमने जो कोर वैल्यूज के ऊपर जिया हमने एक एक हमारे साथ काम करने वाले आदमी को मार मार के मार मार के बनाया और वो मार मार के बनाने की वजह से दो चीज हुआ जब तक वो था उसने सबसे बढ़िया चीज हमको दिया लेकिन उस मारने की वजह से वो छोड़ के भी गया और उसका तकलीफ हम लोग आज भी भुगतते हैं लेकिन इसके वजह से हमने मारना नहीं कम किया इसका मतलब है हमारा कोई भी आदमी आज इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं स्मार्ट में काम किया तो इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है मार्केट में अगर किसी ने बोल दिया कि एक साल स्मार्ट में काम किया उस आदमी का कोई इंटरव्यू नहीं लेता है। उसकी कीमत क्या देगा तू तो ये सब चीजें मल्टीप्लीकेशन में आता है रेप्यूटेशन वैल्यूज दिए एस्टीम अटैच टू योर प्रोडक्ट और ये भी खत्म हो जावे तो डिवाइड करने का, लॉन्ग टर्म योर प्राइस योर अपॉर्चुनिटी ओवर द लॉन्ग टर्म एसोसिएशन सर आज साढ़े चार लाख बड़ा लगता होगा लेकिन साढ़े चार लाख को ये जो आप नॉलेज मिलने वाला है ये नॉलेज आप पचास साल यूज करने वाले पचास साल मल्टीप्लाइड बाय थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज सर चंद रुपए रोज के होते जब आप ये डेढ़ साल का कोर्स करेंगे चंद रुपए का ये कोर्स होता है रोज का क्योंकि ये डेढ़ साल का कोर्स का नॉलेज सिर्फ आप डेढ़ साल में नहीं वापरने वाले हैं आप पचास साल वापरने वाले हैं जो क्लास में विजन सिखाया जाएगा वो फिफ्टी ईयर्स यूज़ करेंगे जो क्लास में डेलीगेशन सिखाया जाएगा वो पचास साल यूज़ करेंगे जो क्लास में स्ट्रैटेजी शीट सिखाया जाएगा वो पचास साल वापरने वाले हैं है। और उस चीज़ को वापरेंगे तो उसकी कीमत क्या होगी सर ऑन द लॉन्ग रन तो इस तरह से कहते हैं कहते हैं तीन चीजें चाहिए यह करने के लिए लाउडली डेडिकेशन डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन सिर्फ एक प्रोफेशनल में ये तीनों होता है वो डेडिकेटेड रहता है वो डिसिप्लिन रहता है और उसका डिटर्मिनेशन बहुत सॉलिड रहता है डेडिकेशन अगर आपको अपने भाव पे लड़ना है तो डेडिकेशन टू द कन्विक्शन दैट योर प्राइस इज राइट एंड योर प्रोडक्ट इज राइट पहला तो तुम विश्वास करो पहला तुम विश्वास करो कि तुम्हारा प्रोडक्ट राइट right है और तुम्हारा भाव राइट right है करके में ही विश्वास नहीं होता मालिक में ही विश्वास नहीं होता उसको खुद को लगता अपना प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा है मेरे को लगता है अगर वो कंपनी का सेल्समैन अब आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए टू द कन्विक्शन आपका ये कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरा भाव राइट है और मेरा प्रोडक्ट राइट है मेरा कंपनी राइट है मेरा प्रोडक्ट राइट है, है मेरा सर्विस राइट और एकमात्र हमारा कंपनी है जिसका अपॉर्चुनिटी राइट right है आपके अंदर सॉलिड सॉलिड कन्विक्शन होना चाहिए कि योर प्राइस इज राइट एंड योर प्रोडक्ट इज राइट नंबर टू उस चीज को साबित करने के लिए जो जो फैक्ट्स लगेंगे जो जो फैक्ट्स लगेगा उसका जो पढ़ाई करना है वो डिसिप्लिन तरीके से आपको उसका पढ़ाई करना है वो रियाज वो रियाज आपको करना है वो तीन बजे से सुबह पांच बजे तक का जो आठ बजे तक का रियाज है जो जाकिर हुसैन पांच घंटा करता है और जो मैं कितने सालों से रियाज करता हूं ये सेल्स का प्रोग्राम के बारे में वो जो रियाज करना है वो रियाज करना ही है इसका मतलब है यू आर डिसिप्लिन टू गेट ऑल द फैक्ट्स नीडेड टू बैक द्शन उस चीज को पेश करने के लिए उस आदमी के सामने जीतने के लिए उस आदमी के सामने जिस तरह का कम्युनिकेशन लगेगा जिस तरह का आवाज लगेगा जिस तरह का गहराई लगेगा जो एग्जाम्पल लगेंगे जो प्रूफ लगेगा वो सब चीज तूने जमा किया है और उसी आवाज में उस प्रूफ को सामने पेश करते हुए तू लड़ता है डिसिप्लिन उसको बोलता है कई लोग तो अपना भाव सही क्यों है वो अपने बहुत सर बॉस आप चलिए ना उसको जरा मनाने का है हमारे कई सेल्समैन हैं जो ब्रांच मैनेजर को लेके जाता है बोले ब्रांच मैनेजर आएगा वो मनाएगा अरे क्यों ब्रांच मैनेजर आएगा और मनाएगा तेरे कस्टमर को यू हैव टू बी डिसिप्लिनड तुम्हें डिसिप्लिनड होना पड़ेगा ऑन ऑल द फैक्ट्स जो जो कस्टमर के सामने जो फैक्ट्स पेश करना है उस फैक्ट्स को पेश करने के लिए जो पढ़ाई लगनी है वो पढ़ाई तो तुम्हें करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा इसको डिसिप्लिन बोलते हैं सेल्स के कई बंदे हैं वो इनडिसिप्लिन होते हैं ना पढ़ते हैं ना सुबह उठते हैं ना बराबर अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं एक सेल्समैन घर जाने के पहले रोज अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए उसे अपना प्रोस्पेक्ट बेस खुद बनाना चाहिए रोज उसको बेचना चाहिए रेगुलरली उसको बेचना चाहिए इंसेंटिव रेगुलरली उसको कमाना चाहिए टारगेट उसको पंद्रह दिन के अंदर अचीव कर लेना चाहिए अपने कस्टमर को सर्विस बराबर देते रहना चाहिए अपने पढ़ाई लिखाई को लगातार करते रहना चाहिए अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए अपने नॉलेज और अपनी गहराई और अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते रहना चाहिए अपनी स्पीड को बढ़ाते रहना चाहिए अपने टारगेट को वक्त के पहले अचीव करना चाहिए इंसेंटिव बेपना तरीके से बड़े पैमाने में कमाना चाहिए डिसिप्लिन होना चाहिए एंड देन डिटर्मिनेशन इतना सब पढ़ाई जो आदमी करता है उसका डिटर्मिनेशन बेचने की कस्टमर की ना खरीदने से जो बोलते हैं ना तुम्हारी बेचने की चाहत उसकी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा रहना चाहिए तो जो डिटर्मिनेशन होता है द डिटर्मिनेशन टू डिलीवर एंड सेल दो कस्टमर एवरी सेकेंड एवरी मिनट एवरी आवर एवरी डे ऑल द डे हर दिन पिछले पैतीस साल से जिस भी कंपनी में काम किया मैंने उस कंपनी का उस प्रोडक्ट्स की गहराई में उतरते हुए हर मिनट हर सेकंड उस प्रोडक्ट को इज्जत मान सम्मान देते हुए उस प्रोडक्ट के बारे में डिटर्मिनेशन के साथ मैंने अपने विचारों को डिलीवर किया इसीलिए जब भी मैं जाता हूँ खाली हाथ नहीं आता हूँ वो इसलिए क्योंकि कस्टमर मेरी आँखों में और मेरी आवाज में वो तड़प देखता है मेरी एंथुजियाजम मेरी गहराई मेरी विचार मेरा स्पीड को सलाम ठोकता है वो कस्टमर को भी मेरे को मिलने के बाद मालूम है कि काश मेरे सेल्समैन नायर सब आपके जैसे होते काश मेरा जीएम आपके माफत होता काश मेरा वीपी आपके माफत होता तो मैं जिस तरह से पढ़ाई किया हूं डिटर्मिनेशन टू डिलीवर एंड सेल दो तीनों होना चाहिए नंबर वन लाउडली डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन एंड मुझे लगता है ये तीनों भर भर के कुट कुट के मेरे में है मैं बहुत डेडिकेटेड है और मेरा हमेशा मानना है कि मेरा प्राइस राइट है और मेरा प्रोडक्ट राइट है मैं उस प्रोडक्ट को पेश करने के लिए जो जो फैक्ट्स लगते हैं उसका बहुत अध्ययन और पढ़ाई करता हूँ कस्टमर ने 200 सौ ऑब्जेक्शन मेरे सामने पेश किया तो मैं 400 जवाब सामने रख सकता हूँ इतना मैंने अध्ययन किया और फिर हर क्षण डिटर्मिनेशन के साथ मैं उस सोच को डिलीवर करता हूँ मैं उस मोहब्बत को डिलीवर करता हूं मैं उस कन्विक्शन को डिलीवर करता हूं जिग जिगलर द ग्रेट मोटिवेशनल गुरु एंड सेल्स गुरु सेड सेलिंग इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग्स सेलिंग इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग्स जो सेल्स का बंदा फील करता है वो ट्रांसफर करता है कई सेल्स के बंदे डरे हुए रहते हैं और उनको लगता है कि मैं बेच नहीं पाऊंगा वो डर को ट्रांसफर करते कई सेल्स के बंदे कस्टमर की प्रॉब्लम की गहराई को नहीं समझते सुपरफिशियल होते हैं और उसी लिए वो जब बात करते हैं तो उनकी बातों में वो दम नजर नहीं आता कई सेल्स के बंदे अपने बॉस के पास हर तीन महीने में पगार बढ़ाने के लिए बातें जरूर कर लेते लेकिन मुझमें क्या कमी है जिसके वजह से पूरा महीने में बीस लाख के धंधे की जगह पे मैंने तीन लाख का धंधा किया वो पूछने का ना डेडिकेशन है ना डिसिप्लिन है ना डिटरमिनेशन है, है जो आदमी अपने गलतियों का एहसास नहीं करता जो आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं करता जो आदमी अपना अपग्रेडेशन नहीं करता जो अपना प्रोडक्ट के बारे में सोचता नहीं है कंपनी के बारे में सोचता नहीं है और प्रोडक्ट को पेश करने के लिए अपनी काबिलियत को डेवलप नहीं करता वो आदमी को 30 से 40 सेकंड के अंदर कस्टमर पकड़ लेता देर फोर मुझे कभी बेचने में डर नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत पढ़ाई करता हूं माय डियर फ्रेंड्स बहुत मेहनत करता हूं मैं अठारह बरस की उम्र में मैंने नौकरी चालू किया और तिरपन बरस का हो गया लेकिन आज भी छोटे बच्चे लोग के माफ बैठ के मैं पढ़ाई करता हूं एज इफ मुझे कुछ नहीं आता मेरे खुद के ग्रुप के डायरेक्टर्स मेरे को बोलते हैं नायर साहब इतना पढ़ाई क्यों करते हैं। ये सब्जेक्ट तो आपका बाएं हाथ का खेल है लेकिन कभी मैं ऐसा अकड़ नहीं दिखाता कि मेरे को सब मालूम है एक छोटा बच्चे के मफद अपने को पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए सो माई डियर फ्रेंड्स ओपनिंग प्रोबिंग सपोर्टिंग क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आप मेरे दूसरे सीडीज लेवे इसमें ये पूरी ऑब्जेक्शन को बोरा डिटेल में बताया गया जैसे हम कहते हैं पांच टाइप के एटीट्यूड होते हैं टॉलिंग एक्सेप्टेंस ये सब होता है तो मैंने तो आपको शॉर्ट में समझा दिया लेकिन आप इससे खुश नहीं होना आप इसका जो गहराई चीज है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की मैंने तो आपको एक स्लाइड में एस आई एन दिखा दिया और फिर मैंने 200 पेज का किताब दिखाया मैंने बोला एस पी आई एन सिचुएशन क्वेश्चन पूछना ओके प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछना ओके इम्प्लीकेशन क्वेश्चन पूछना ओके और नीड पे ऑफ क्वेश्चन पूछ 200 पेज सौ बार इस बुक को पढ़िए अब इसके लिए वो तीन चीज लगेगा कितने में होता है ये एनर्जी कितने में ये डेडिकेशन होता है ऐसे मेरे से कितने हजारों बार किसने ये सुना होगा ये किताब पढ़ना ये सीढ़ी देखना लेकिन वो करने के लिए आपका डेडिकेशन डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन होना ही चाहिए ये लाइन और ये लाइन का गहराई इसी में है तो जब कोई आदमी आपको भाव का ऑब्जेक्शन देता है आपने उसको अप कर दिया आपको आपने उसको माइनस कर दिया आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने उसको डिवाइड कर दिया फिर भी वो बोलता है एक कुछ तो दे कुछ तो कम कर क्योंकि भाव कम करना नहीं है पहली बार जब उसने भाव पे झटका मारा तो आपको चार यूज करना है एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड ये चारों करने से आप पहले अपने भाव को प्रोटेक्ट करते हैं आपने जो भाव बोला उस भाव को और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश करा आपने दस रुपया बोला कस्टमर बोलता है तेरा भाव बहुत ज्यादा है तब आपने एडिशन चालू करके दस रुपया सही क्यों है? और उसके अंदर क्या क्या है ये एक, -एक बेनिफिट आपने दिखाया फिर आपने देखा कि आपका एडिशन खत्म हो गया तो आपने कहा कि दूसरा जो आठ रुपए की बात आप कर रहे हैं वो प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें ये नहीं, ये नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये माइनस करके दिखाया फिर आपने आपके कंपनी के साथ डील करेंगे तो कैसा आपका रेप्यूटेशन बढ़ेगा कैसे आपका यू नो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कैसा ये सब चीज बढ़ेगा वो आपने मल्टीप्लाई करके दिखाया और फिर आपने डिवाइड करके दिखाया कि लंबे टाइम में दस रुपया आपके लिए क्या फायदा होगा आज आप आठ रुपए में चीज ले, ले, ले लेंगे लेकिन क्या होगा मशीन आपने मेरे से वो बोल्ट ले लिया दस रुपए में आपका मशीन पांच साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपने आठ रुपए में बोल्ट ले लिया हर दिन मशीन बंद होगा आपका फैक्ट्री डाउन टाउन हो जाएगा आपका फैक्ट्री का काम बार बार बंद होगा हजारों लाखों रुपया ये काम बंद होने की वजह से होगा ये चीज को बचाने के लिए दो सौ रुपया का ऊपर आप हाँ डिस्कस मत कीजिए कस्टमर बोलता है लेकिन ठीक है मैं तुम्हारा दस रुपया का भाव का मान सम्मान करता हूं लेकिन कुछ तो कर तो फिर ये आता है